खुशी की बात है कि मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जो ऐप डेवलप किया गया है ये ग्रामीण अंतोदय है। आसमानी लोगों की जमीनी लोगों से नॉलेज एक्सचेंज होती है। मुझे एक शेर याद आ रहा है कि तुम आसमान की बुलंदी से नीचे लौट आओ, मुझे कुछ जमीन की मसलों पर बात करनी है। छोटे से हॉल में क्रांतिकारी निर्णय, क्रांतिकारी कदम, किसान कल्याण के लिए बहुत ही बड़ा दिन है आज का, क्योंकि देश की खुशहाली का रास्ता खेत कल्याण से जाता है। पहला भाषण 9 साल की उम्र में सुना था तो ज्ञान की ओर से जो निरंतर प्रयास रहता है कि हम प्रत्येक से प्रत्येक क्षेत्र में और समाज के हर वर्ग को किसी न किसी तरह से अपनी जानकारी, अपनी सूचनाओं का लाभ पहुंचा सके, उसका माध्यम भी आपने जरूर किया है। और उसके पश्चात स्वतंत्रता के बाद मौसम विभाग की ओर से जिस तरह की वैज्ञानिक व्यवस्थाएं थी उस तरह की जानकारी देने का प्रयास भी रहा, किसानों को भी दूसरे वर्ग आकाशवाणी में मौसम का हाल करके एक सूचना हुआ करती थी सुबह और शाम, लेकिन उस समय हमारे पास वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी का बड़ा अभाव था। मेट्रोलॉजी सिस्टम बहुत ज़्यादा उन्नत नहीं था, परंतु प्रयास जरूर। और अक्सर समाज में जैसे प्रोफेसर वगैरह कह रहे हैं कि वैज्ञानिक राजनीतिक विज्ञान मौसम वैज्ञानिक तो सफल हो जाते हैं लेकिन वैज्ञानिक वैज्ञानिक का मजाक रहता। तो 9 बजे का समय सुबह आज निर्धारित था और 6:30 बजे का, और अक्सर वहाँ सूचन ना पड़ उनकी स्टूडियो और वो जो हमारे जो वहाँ पे घोषणा करने वाली जो एंकर रहती है जैसे ये बहन है उसकी मजबूरी रहती है कुछ ना कुछ समय निर्धारित पर बोलना है। तो वाक्य बड़ा प्रसिद्ध था कि अगले 24 घंटे में दूर दूर तक गरज कर बारिश होगी मगर आम तौर से मौसम खुश करेंगे। तो ये एक तरह का मजाक बन गया और ये सच बात है। अगर आप पिछले रिकॉर्डिंग्स देखें तो ऐसा होता लेकिन उसमें मजबूरी थी कि हमारे पास जानकारियों का अभाव था। और बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सही माने में एक हमें क्वांटम जब जो नसीब हुआ है वो पिछले 10 वर्षों, और इसके लिए मुझे आभार प्रकट करना है प्रधानमंत्री मोदी जी का। जहाँ हमें आर्थिक सहयोग भी मिला वहाँ हमें अपनी टेक्नोलॉजी को एडवांस करने की पूरी पूरी स्वतंत्रता दी रही। दूसरे देशों के साथ भी हमारा सहयोग रहा, कोलैबोरेशन है। और जहाँ हम पहले केवल रडार के माध्यम से भविष्यवाणी किया करते थे अब हमने स्पेस टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करना शुरू किया, जिसके परिणाम स्वरूप पिछले 10 वर्षों में जैसे महापात्रा जी कह रहे थे हमारी भविष्यवाणी की एक्यूरेसी में 40% बढ़ोतरी हुई। और वो इसलिए हुई कि जिसे मोदी जी अक्सर कहते हैं कि होल ऑफ गवर्नमेंट, और मुझे लगता है कि ये होल ऑफ गवर्नमेंट का एक बड़ा श्रेष्ठ उदाहरण है कि 2-3 विभागों ने मिलकर के एक लक्ष्य लेकर के काम करना शुरू किया, बजाय इसके कि हर एक विभाग अपना अपना काम अलग समझ कर करता। और इस प्रकार जो हमारा पिछले 100 वर्ष और जिस प्रकार से मैंने अभी कहा कि सरकार ने प्राथमिकता दे रखी, हालांकि ये बड़ा छोटा विभाग है, अगर आप किसी से पूछे मौसम भवन कहा तो बहुत सारे लोगों के सभाग्रह में मालूम है। उनका उद्देश्य बहुत बड़ा, उनकी सोच बहुत लंबी। एक पेड़ भाग के नाम के साथ उन्होंने कहा कि अगर इस देश का हर नागरिक अगर एक पेड़ अपनी माँ के नाम से लगाता है तो हरित क्रांति के क्षेत्र में कितना
क्षेत्रफल बढ़ेगा, और उसको उन्होंने इसको बढ़ाने के लिए उन्होंने उसको भावना के साथ जोड़ा कि अगर माँ के नाम पर लोग पेड़ लगाते हैं तो हमारा पर्यावरण सुरक्षित हो। ये बहुत बड़ी सोच है। तो आज पूरी दुनिया उसके कारण चिंतित है, और आज कभी हम दूसरे राज्य से आते हैं जिस राज्य का पूरा उत्तर बिहार प्रति वर्ष उत्तर बिहार बाढ़ के चपेट में, आधा से ज्यादा उत्तर बिहार का सबसे बड़ा भूभाग है दक्षिण और उत्तर में जुड़े, और हम उस विभाग में जो बाढ़ के को देखता है उस विभाग के मंत्री भी हम राज्य सरकार में 5 साल रहे,